ਸੁਣਿਆ ਥੈਰੋਟਿਕਸ ਐਲ ਐਲ ਪੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਟਿਡ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਵਰ ਵੀ ਹੈਵ ਗੋਟ ਅਵਰ ਆਡੀਟਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰ ਵੀ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਦਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਹਾਈਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਹਾਈਡ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ तो हमारे पास में ये स्टीक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि दैनिक एक्सप्रेस 2481 के बीई कोच के 33 और 34 नंबर शीट पर जो है दो व्यक्ति आ रहे हैं जिनके पास में बैग होगा और उस बैग में जो है वो कैश मिलेगा। इसके बारे में उच्च अधिकारियों को बताया गया था, इंस्पेक्टर साहब को बताया गया और श्रीमती मैडम जो है SSP मैडम कमल ज्योत बराड को जो है सीनियर कमांडेंट को अवगत कराया गया था, जिनके दिशा निर्देशों के अनुसार एक जो है मैंने एक उनके आदेशानुसार एक टीम बनाई, उस टीम में अपने पोस्ट के मेंबर लिए और इनको किसी तरह विश्वास में लेके कि पब्लिक प्लेस में वहाँ कोई ड्रामा ना हो या कोई उस चीज़ का फ़ायदा उठा के गैदरिंग का इधर उधर ना निकल जाए, इनको पोस्ट पे विश्वास दे के लाया गया और यहाँ ला के इनको बताया गया कि भाई हम आपका बैग चेक करेंगे और इनको विश्वास में लेके तो इन्होंने भी उस चीज़ को मानते हुए अपना बैग जो है वो SS भटिंडा से जो है राम स्वरूप मीणा जी को बुला के और उनके समक्ष जो है वो बैग जो है चेक किया गया जिसमें जो है 70 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। इसके बारे में अभी जो है जांच जारी है, जिनसे पैसे 70 लाख रुपए मिले हैं उनका एक का नाम पवन कुमार और एक का राधेश्याम शर्मा जी है, तो ये दिल्ली के रहने वाले हैं। अभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल जो है वो जाँच के बाद में जो है बताई जाएगी कि ये पैसे जो है कहाँ से आए, इनके पास में लीगल हैं अनलीगल हैं क्या है, इसके बारे में अभी ये जांच जारी है। उसके बाद में ये अपनी जी जो इन्फॉर्मेशन मिली है ये कैश दिल्ली से चला है और भटिंडा में कहाँ जाना था इसके बारे में जांच की जाएगी, आपको बताया जाएगा कि भटिंडा में कहाँ जाना था।